दोस्तों, आज की हमारी भूली बिसरी फिल्म है सरफरोश, जो साल 1999 को रिलीज हुई थी। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन। यह एक एक्शन थ्रिलर जॉनर की फिल्म थी जिसे उस वक्त दर्शकों ने काफी पसंद किया था। आईएएस के लिए चुना गया था, कलेक्टर बनकर आराम की जिंदगी गुजार सकता था मैं, लेकिन मैंने आईपीएस चुना। क्यों? इस फिल्म में हमें आमिर खान, सोनाली बेंद्रे और नसीरुद्दीन शाह मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले थे। फ्रेंड्स, फिल्म का बजट 8 करोड़ रखा गया था और इसने लगभग 33 करोड़ की कमाई की थी। इसी के साथ सरफरोश फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सफल फिल्म साबित हुई थी। जो हाल दिल का इधर हो रहा है। साथ ही इसे फिल्म क्रिटिक्स ने भी काफी सराहा था। दोस्तों, सरफरोश फिल्म में आमिर खान हमें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के रोल में दिखे थे, जो गैर कानूनी हथियारों की तस्करी और आतंकवाद से जुड़े संगठित क्राइम के खात्मे का बेड़ा उठाते हैं। इसके लिए वो अपनी एक ऑफिसर्स की टीम भी बनाते हैं, जिनकी सहायता से वो इन खतरनाक देश के अपराधियों और देशद्रोहियों को नाकों तले चने चबवा देते हैं। लेकिन इस लड़ाई में उन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आमिर खान देश के इन दुश्मनों का अंत करने का बेड़ा इसलिए भी उठाते हैं क्योंकि उनके भाई की हत्या हो जाती है और उनके पिता को भी पीट पीट कर अधमरा कर दिया जाता है। लचर सिस्टम के चलते आमिर के परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाता। इसी वजह से आमिर के दिल में आग उठती है और वो आईपीएस बनते हैं ताकि वो हर मुजरिम को कानून के सामने भिखारी की तरह खड़ा देख सके। फिल्म में हमें सोनाली और आमिर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी देखने को मिली है। सरफरोश फिल्म में हमें नसीरुद्दीन शाह एक गजल गायक के रोल में दिखे हैं, जिनका नाम गुलफाम हसन होता है। गुलफाम एक पाकिस्तानी गायक हैं जो इंडिया में भी काफी फेमस हैं और अपने शोज इंडिया में भी किया करते हैं। आमिर खान भी गुलफाम की गायकी के फैन होते हैं। फिल्म में दोनों के बीच हमें अच्छी दोस्ती भी दिखाई गई है। फिल्म में हमें दिखाया गया है कि गुलफाम हसन का जन्म तो इंडिया में हुआ होता है, लेकिन बंटवारे के समय वो पाकिस्तान चले जाते हैं। दरअसल फ्रेंड्स, रियल लाइफ में एक पाकिस्तानी गायक गुलाम अली हैं, जो उस दौर में इंडिया में भी काफी फेमस थे और उनके काफी स्टेज शोज इंडिया में हुआ करते थे। कुछ हद तक गुलफाम हसन वाला रोल इन्हीं गुलाम अली से प्रेरित था। साल 1998 में मुंबई में गुलाम अली के शोज का काफी विरोध भी हुआ था, जिस कारण उनके शोज मुंबई में कैंसल भी करने पड़ गए थे। सरफरोश फिल्म में गुलफाम हसन वाला रोल नसीरुद्दीन शाह ने काफी बेहतरीन ढंग से निभाया था और इनकी एक्टिंग की उस वक्त काफी चर्चा की गई थी। वैसे फ्रेंड्स, आमिर खान के साथ नासिर साहब की ये दूसरी फिल्म थी। इन दोनों ने इस फिल्म से पहले साल 1984 में आई फिल्म होली में एक साथ काम किया था। इसके बाद इन्होंने सरफरोश फिल्म में एक साथ काम किया। हालांकि दोस्तों, साल 1992 में एक फिल्म टाइम मशीन बनाई जा रही थी, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे शेखर कपूर। उस फिल्म में आमिर खान और नसीरुद्दीन शाह दोनों मुख्य भूमिकाओं में थे, लेकिन ये फिल्म फिनिश नहीं हो पाई थी। अगर ये फिल्म फिनिश होके रिलीज हो जाती तो ये आमिर खान और नसीरुद्दीन शाह की साथ में आई दूसरी फिल्म होती। दोस्तों, सरफरोश फिल्म में हमें काफी मजे हुए कलाकार भी महत्वपूर्ण रोल्स में देखने को मिले थे, जैसे प्रदीप रावत, जिन्होंने इस फिल्म में सुल्तान नाम के अपराधी का किरदार निभाया था। गोविंद नामदेव, इन्होंने इस फिल्म में वीरन नाम के आतंकवादी का रोल निभाया था। अखिलेंद्र मिश्रा, इन्होंने इस फिल्म में फेमस मिर्ची सेठ का किरदार निभाया था, जो व्यापार की आड़ में हथियारों की तस्करी करता है। राजेश जोशी, जिन्होंने बाला ठाकुर नाम के विलन का किरदार निभाया था। सलीम शाह, इन्होंने इंस्पेक्टर राजन यादव का किरदार निभाया था। मनोज जोशी, इन्होंने एसआई बज्जू का किरदार निभाया था। और वल्लभ व्यास, इन्होंने पाकिस्तानी मेजर का किरदार निभाया था। इन सब के अलावा जो सबसे ज्यादा पसंद किया गया सपोर्टिंग रोल था सरफरोश फिल्म में, वो था इंस्पेक्टर सलीम का, जिसे निभाया था मुकेश ऋषि ने।
दोस्तों आमिर खान की लगान मूवी साल 2001 में रिलीज हुई थी। उसमें भी हमें काफी लंबी चौड़ी सपोर्टिंग एक्टर्स की कास्ट देखने को मिली थी। लगान फिल्म में हमें कुछ कलाकार ऐसे भी दिखे थे जिन्होंने आमिर के साथ सरफरोश फिल्म में भी साथ काम किया था, जैसे वल्लभ व्यास जिन्होंने लगान में ईश्वर काका वाला रोल निभाया था, अखिलेंद्र मिश्रा इन्होंने अर्जुन वाला किरदार निभाया था और प्रदीप रावत इन्होंने देवा सिंह शोडी वाला किरदार निभाया था। हालांकि दोस्तों देवा वाले रोल में आमिर खान मुकेश ऋषि को कास्ट करना चाहते थे क्योंकि वो सरफरोश में मुकेश ऋषि के काम से काफी प्रभावित थे, लेकिन उस वक्त मुकेश ऋषि अपनी साउथ की फिल्मों की शूटिंग में कुछ ज्यादा बिजी थे, इस कारण वो ये रोल नहीं कर पाए। फिर इस रोल के लिए प्रदीप रावत को कंसीडर किया गया। वैसे देखा जाए तो फ्रेंड्स, मुकेश ऋषि ने सरफरोश फिल्म से पहले ज्यादातर विलन के रूप में ही फिल्मों में काम किया था। सरफरोश फिल्म में इनका रोल एक नेक और ईमानदार पुलिस अफसर का था जिसमें मुकेश ऋषि काफी सूट किए थे। हालांकि इनकी छवि एक विलन की बनी हुई थी उस वक्त बॉलीवुड फिल्मों में। मुकेश को उनके इस रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेशन भी मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में। अपने एक इंटरव्यू में मुकेश बताते हैं कि वो लगभग 40 फिल्मों में अभिनय कर चुके थे सरफरोश फिल्म से पहले, और जब वो सरफरोश फिल्म के डायरेक्टर से मिले फिल्म में रोल के लिए तो फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें ऑडिशन देने को कहा, जो एक अनुभवी एक्टर होते हुए मुकेश ऋषि को काफी अजीब लगा। लेकिन फिर भी एक हफ्ते का समय मुकेश ने फिल्म के डायरेक्टर से मांगा और तैयारी करके ऑडिशन दिया। इस तरह फिल्म के लिए वो सिलेक्ट हुए। मुकेश ये भी बताते हैं कि उन्होंने काफी मुस्लिम लोगों को ऑब्जर्व किया था ताकि वो एक मुस्लिम का रोल अच्छे से निभा सके, लेकिन नमाज वाले सीन में उन्हें काफी दिक्कत आई थी उसे परफेक्ट बनाने में। दोस्तों सरफरोश फिल्म की रिलीज होने के 2 या 3 दिन बाद ही कारगिल वॉर शुरू हो गई थी और देश में काफी सीरियस माहौल बन गया था। सरफरोश फिल्म में भी इंडिया पाकिस्तान वाला एंगल दिखाया गया था। हालांकि फिल्म में हमें तस्करी और गैर कानूनी गतिविधियां दिखाई गई थी जो बॉर्डर पर होने वाले युद्ध से काफी अलग होती हैं। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि फिल्म को लोगों ने इंडिया पाकिस्तान वाले एंगल की वजह से ज्यादा पसंद किया था। फ्रेंड्स, सरफरोश फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म फॉर होलसम एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। फिल्म की कहानी कॉन्सेप्ट की काफी तारीफ हुई थी। इसी के साथ इस फिल्म को बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायलॉग और बेस्ट एडिटिंग के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। सरफरोश फिल्म की एडिटिंग की थी जीतू मंडल ने, जिन्होंने काफी लंबे समय तक राज कपूर के साथ काम किया था एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर और एडिटर। इन्होंने राज कपूर की बहुचर्चित फिल्म हीना की भी एडिटिंग की थी। दोस्तों सरफरोश फिल्म को डायरेक्ट किया था जॉन मैथ्यू मथान ने और यह इनकी डेब्यू फिल्म थी एज अ डायरेक्टर। इससे पहले इन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया था गांधी फिल्म और गोविंद नहलानी की आक्रोश फिल्म में। इसी के साथ जॉन मैथ्यू कमर्शियल एडवर्टीजमेंट भी डायरेक्ट किया करते थे। सरफरोश फिल्म के बाद साल 2005 में जॉन मैथ्यू की दूसरी फिल्म रिलीज हुई थी शिखर, जिसमें शाहिद कपूर और अजय देवगन मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले थे। शिखर फिल्म को क्रिटिक्स द्वारा तो काफी सराहा गया था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह एक असफल फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद जॉन मैथ्यू ने एक फिल्म अ न्यू लव स्टोरी टी सीरीज के लिए बनाई थी, लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। इस फिल्म में हिमेश रेशमिया मेन लीड हीरो के रोल में थे। एक इंटरव्यू में जॉन मैथ्यू ने बताया था कि उनकी ये फिल्म लगभग 95% कंप्लीट हो गई थी, लेकिन इससे पहले विक्की डोनर फिल्म रिलीज हो गई और दोनों फिल्में एक ही सब्जेक्ट पर बनाई गई थी, इस कारण उनकी फिल्म को टी सीरीज ने रिलीज नहीं किया। दोस्तों जॉन मैथ्यू ने सरफरोश फिल्म की स्क्रिप्ट साल 1992 में लिखनी शुरू की थी और इस फिल्म को बन के रिलीज होने में लगभग 7 सालों का समय लगा, तो आप समझ सकते हैं इस फिल्म पर इन्होंने कितनी मेहनत की होगी। फ्रेंड्स, सरफरोश फिल्म के लिए मेन हीरो के रोल में जॉन मैथ्यू ने सिर्फ आमिर खान का नाम सोच रखा था। वो इस फिल्म को सिर्फ आमिर खान के साथ ही बनाना चाहते थे। इस रोल के लिए उनकी कोई सेकंड चॉइस नहीं थी, लेकिन समस्या यह थी कि आमिर खान किसी नए डायरेक्टर के साथ काम करें इसकी संभावना काफी कम थी। लेकिन फिर भी जॉन मैथ्यू ने काफी कोशिश की
अपनी कहानी आमिर तक पहुंचाने की। जॉन मैथ्यू एक एड फिल्म मेकर थे और एक फेमस एड फिल्म मेकर प्रहलाद कक्कड़ उनके दोस्त थे। प्रहलाद ने आमिर और जॉन की मुलाकात करवाई थी, जहां आमिर ने एक घंटे का समय जॉन मैथ्यू को दिया था फिल्म की स्टोरी सुनाने के लिए। लेकिन पहली मुलाकात में जॉन मैथ्यू ने आमिर को कहा कि उन्हें कम से कम 3 घंटे का समय चाहिए स्टोरी को नरेट करने के लिए। आमिर उस वक्त बिजी थे, इसलिए उन्होंने कुछ दिन बाद का समय दिया जॉन मैथ्यू को, और फिर कहानी सुन के आमिर इस फिल्म को करने के लिए तैयार हो गए। जब आमिर जैसे बड़े हीरो का नाम इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा, फिर फिल्म के लिए फाइनेंसर्स भी उपलब्ध हो गए थे। सरफरोश फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर खान और जॉन मैथ्यू के काम करने के तरीके और विचारों में काफी मतभेद होने लगे थे। फिल्म कंप्लीट होते होते ये विचारों की असहमति और मतभेद इतने बढ़ गए कि दोनों ने भविष्य में फिर कभी साथ काम न करने का फैसला ले लिया। हालांकि फ्रेंड्स, ये कोई नई बात नहीं थी, आमिर खान फिल्म मेकिंग में अपना कुछ ज्यादा दखल रखते हैं। उनकी इसी आदत से परेशान होके राम गोपाल वर्मा और महेश भट्ट जैसे बड़े डायरेक्टर भी उनके साथ कभी काम न करने का फैसला ले चुके थे। वैसे दोस्तों, सरफरोश फिल्म आमिर खान के करियर की एक बेंचमार्क फिल्म साबित हुई थी, जिसकी वजह से उनके करियर को भी फायदा हुआ था। आमिर खान ने सरफरोश फिल्म में एक पुलिस अफसर का रोल निभाया है। इन्होंने पहली बार किसी बॉलीवुड फिल्म में पुलिस अफसर का रोल निभाया था। इस फिल्म से पहले भी आमिर की एक फिल्म आई थी बाजी, जिसमें वो एक कमांडो बने थे। फिर साल 2012 में वो फिर से हमें पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखे थे तलाश फिल्म। दोस्तों, सरफरोश फिल्म के डायरेक्टर जॉन मैथ्यू ने आमिर खान और नसीरुद्दीन शाह के अलावा फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट किसी और कलाकार को नहीं दी थी। यहां तक कि फिल्म की हीरोइन सोनाली बेंद्रे को भी फिल्म की पूरी कहानी नहीं बताई गई थी। जॉन मैथ्यू ने बताया था कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वो कहानी के इंडिया पाकिस्तान वाले एंगल और नसीरुद्दीन शाह वाले कैरेक्टर को सीक्रेट रखना चाहते थे। जॉन मैथ्यू से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आज के समय में भी सरफरोश फिल्म की कहानी इतनी रेलेवेंट क्यों लगती है, तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके द्वारा फिल्म में उठाए मुद्दे आज भी जीवित हैं और उनका निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। यही कारण है कि सरफरोश फिल्म की कहानी आज भी उतनी ही रेलेवेंट लगती है। दोस्तों, सरफरोश फिल्म का म्यूजिक भी काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म के गाने उस वक्त काफी ट्रेंडिंग गाने बने थे। फिल्म में म्यूजिक दिया था जतिन ललित ने, और फिल्म के कुछ फेमस गाने इस प्रकार थे। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारों। और फिल्म में एक गजल भी रखी गई थी, जिसके बोल थे, होश वालों को खबर क्या। इसे गाया था जगजीत सिंह ने, और ये जगजीत सिंह की बेस्ट गजलों में से एक साबित हुई थी। इसे नसीरुद्दीन शाह पर फिल्माया गया था। दोस्तों, साल 2003 में आई फिल्म जमीन, जिसे रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया था और इसकी कहानी सुपर्णा वर्मा ने लिखी थी। दरअसल सुपर्णा वर्मा ने इस फिल्म की कहानी सरफरोश के सीक्वल के रूप में लिखी थी, और जब सरफरोश फिल्म के डायरेक्टर जॉन मैथ्यू ने इस कहानी को सुना, तब उन्होंने सुपर्णा को कहा था कि वो विलन का किरदार फिल्म में और मजबूत करें। लेकिन सुपर्णा को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस कहानी में क्या चेंज करें। इसी बीच ये कहानी रोहित शेट्टी तक पहुंची और उन्होंने इस पर फिल्म बनाने के लिए हामी भर दी, और इस तरह सरफरोश 2 बनने की जगह उसी कहानी पर जमीन फिल्म बन गई, जिसमें अजय देवगन और अभिषेक बच्चन मुख्य भूमिकाओं में हमें देखने को मिले थे। दोस्तों, वैसे जॉन मैथ्यू ने सरफरोश 2 फिल्म का अनाउंसमेंट किया था, और उन्होंने ये भी बताया था कि इस फिल्म की कहानी CRPF पर आधारित होने वाली है। सुनने में यह भी आया था कि इस फिल्म में लीड हीरो वाले रोल में हमें जॉन अब्राहम देखने को मिलेंगे। इस फिल्म की कहानी लिख ली गई है, लेकिन ये कब फ्लोर पे आएगी इसके बारे में अभी कोई खबर नहीं है। दोस्तों, सरफरोश फिल्म में सोनाली बेंद्रे द्वारा निभाया उनका रोल भी काफी पसंद किया गया था, जहां वो बहुत ब्यूटीफुल लगी थी और आमिर के साथ उनकी जोड़ी भी काफी पसंद की गई थी। फिल्म में उनके द्वारा बार बार डोंट माइंड वाला डायलॉग बोला गया था, जिसमें वो काफी प्यारी लगी थी, और साथ ही थोड़ी कॉमेडी वाली फील भी उन्होंने दी थी। सरफरोश फिल्म में हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी एक छोटे से रोल में दिखाई दिए थे, जो इनके करियर का पहला बॉलीवुड स्क्रीन प्रेजेंस था।
दोस्तों साल 1989 में मनमोहन देसाई ने एक फिल्म अनाउंस की थी जिसका टाइटल सरफरोश होने वाला था और इसकी मुख्य भूमिका में हमें अमिताभ बच्चन देखने को मिलने वाले थे, लेकिन ये फिल्म बन नहीं पाई। इसके बाद साल 1994 में राजकुमार संतोषी ने भी एक फिल्म पर काम शुरू किया था जिसका टाइटल सरफरोश होने वाला था और उसमें हमें बॉबी देओल और पूजा भट्ट मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलने वाले थे, लेकिन ये फिल्म भी नहीं बन पाई थी। फिर इसी कहानी पर विनाशक टाइटल से फिल्म बनाई गई जिसमें सुनील शेट्टी हमें मुख्य भूमिका में देखने को मिले थे। जॉन के पीछे पड़ाओ कि सरफरोश 2 बनाओ, बल्कि जब हमने जो फिल्म का आखिरी सीन है उसमें थोड़ा सा फीलिंग दी थी। दोस्तों तो ये थी आज की हमारी भूली बिसरी फिल्म। आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आपकी कौन सी याद इस फिल्म से जुड़ी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।